काबू ना केवल एक फैसला एक राज्य तक सिमट कर रह जाएगा, इसके सियासी संदेश कई राज्यों तक जाएंगे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा दौर भी है। आदित्य, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि देखिए हलचल तो छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक जोरों पर है और ना केवल छत्तीसगढ़ पर सभी की नजरें टिकी हुई है, इसके साथ ही पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हाल कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह की वजह से हो रहा है, तो ऐसे में जो भी फैसला होगा वो फैसला कई राज्यों को प्रभावित करेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल पंजाब में भी इफेक्टेड उसके जो है कि उसके प्रभाव देखे जाएंगे, राजस्थान में भी उसके प्रभाव देखे जाएंगे यहाँ। लेकिन अगर बात की जाए, रितिका, तो सरकार बहुमत में है, 70 के करीब जो है 70 सीट्स है, 90 विधानसभा सीटों में से 70 सीट कांग्रेस के पास है, तो सरकार स्थिर है, सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेंगे, इस निर्णय का जो असर है वो 2.5 साल के बाद जब इलेक्शंस हो गए उसमें असर दिखाई देगा। अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पर सरकार अस्थिर हो जाए। जब भूपेश बघेल दिल्ली गए थे तो भूपेश बघेल से भी राहुल गांधी जी की जब मुलाकात हुई तो भूपेश बघेल जी को भी उनकी भी सारी चीजें सुनी गई और भूपेश बघेल भी जब दिल्ली से लौटे उन्होंने दिल्ली में मीडिया के सामने बयान दिया, पीएल पुनिया समर्थन में आए कि 2.5-2.5 साल की कोई बात नहीं है और राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ का दौरा करने आ रहे, तो भूपेश बघेल भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे थे। तो इससे एक चीज तो साफ देखी जा सकती है कि राहुल गांधी जी से जो मुलाकात हुई दोनों नेताओं की और बिल्कुल आदित्य दोनों ही पक्ष कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन फैसला किसके पक्ष में होता है वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आदित्य राय हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही अमित पांडे आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको बता दें, टीएस सिंहदेव के बयान पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान जब भी कोई फैसला लेता है तो इस पर प्रदेश के प्रभारी जानकारी देते हैं और पीएल पुनिया दिल्ली में जानकारी दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दिग्गज मंत्री अमरजीत भगत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बाबा ने साफ कह दिया है कि मामला अब ओपन हो गया है और हाईकमान ने फैसला सुरक्षित रख लिया, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, जो कहना है पार्टी हाईकमान कहेगा और पार्टी हाईकमान का कुछ भी पार्टी का बयान रहता है, पार्टी प्रदेश के प्रभारी देते हैं, उनका बयान आ चुका है। उनका बयान आ चुका है, वो तो कह रहे हैं 2.5-2.5 साल की कोई बात ही नहीं है और बाबा कह रहे हैं कि हाईकमान ने फैसला ले लिया। जिनका बयान है उन्हीं से बात करी है। तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे भूपेश बघेल, कि कुछ बदलाव होगा, राहुल गांधी जी आ रहे हैं? अरे जो मैं बता रहा हूँ कि प्रदेश के प्रभारी माननीय पुनिया साहब का बयान आने के बाद किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं। तो आप लोग गए थे तो जो है कि फैसला तो 24 तारीख को ही हो गया था, बाबा का कहना है, आपके जाने के बाद कुछ चीजें बदली? कृषक विधायक कार्ड मंत्री जो भी पूछना है आप प्रदेश प्रभारी माननीय पुनिया जी उनसे पूछिए। आप क्या कहते हैं आपके साथ? मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको कि जो बयान है वो पार्टी की तरफ से माननीय पुनिया जी देंगे, पुनिया जी ने कहा है और उस बीच में हमारा बयान कोई महत्व नहीं। एक जो है कि चीजें जो दिक्कत सामने आ रही है कि 63 विधायक 7-8 मंत्री मुख्यमंत्री दिल्ली में, तो कहीं प्रेशर बनाने की थोड़ी सी कोशिश उसी से फैसला अगर आप कह रहे हैं? अरे सब साथ है, साथ कल वो जो प्लेन उतरा तो नहीं देखे, सब एक साथ उतरे, वो एक टिकट नहीं कटा था उसमें, वो तो अलग आए बाबा। टिकट तो मेरा भी शाम को दूसरे प्लेन में था लेकिन सब लोग बोले साथ चलना है, चलो। मध्य प्रदेश के नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की खबर है कि प्रशासन ने इस मामले के मुख्य आरोपी महेंद्र गुर्जर के अवैध मकान को गिरा दिया है। घटना में 8 आरोपियों की पहचान का दावा किया जा रहा है, जिनमें 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिस पिकअप वैन से युवक को बांधकर घसीटा गया था उसे भी जब्त पुलिस ने कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये देखिए न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुख्य आरोपी के घर को किस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, घर को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है क्योंकि ये अवैध घर बताया जा रहा था। जो भी इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और अभी तक 8 आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है और उसमें 8 में से 5 आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सभी आरोपियों के जो भी अवैध संपत्ति है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सभी चेक किया गया है और इसमें जिनके भी अवैध संपत्ति अतिक्रमण की संपत्ति है उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। तो यही वो वीडियो था जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया था और इसी के बाद भी लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आई। हालांकि इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई करते हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 5 आरोपी जो कि इस पूरे के पूरे
विवाद में शामिल थे, जिसने इस बुजुर्ग व्यक्ति की इस तरीके से पिटाई की, उसे घसीटा गया और जिस टेम्पो के जरिए इसे घसीटा गया उसे भी फिलहाल जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, उसी आरोपी के अवैध मकान पर कार्रवाई करती हुई प्रशासन की टीम। इससे पहले मध्य प्रदेश के नीमच में आदिवासी युवक को पिकअप वैन से बांधकर घसीटने का वीडियो वायरल हुआ था। आपको बता दें, आरोप है कि आदिवासी युवक को कुछ दबंगों ने सरेआम पिकअप वाहन के पीछे बांधकर घसीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस मामले में अब 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 8 लोगों की पहचान हुई थी इस पूरे मामले पर। और अब 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब लगातार यही मांग उठ रही है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नीमच में आदिवासी युवक के साथ हुई हैवानियत पर शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में वायरल वीडियो पर बवाल हो रहा है, हैवानियत की हद को पार कर रहे हैं ये वायरल वीडियो। खास तौर पर वो वीडियो जो कि नीमच से आया है। नीमच में एक शख्स है जो कि आदिवासी है, जिसको पिकअप वाहन में बांधा जाता है और उसके बाद उसे घसीटा जाता है, उसके बाद उसकी मौत होती है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। तो ये वीडियो आपने देखे होंगे, आपत्तिजनक है और इसीलिए कार्रवाई की गई है। इस तरह से किसी भी घटना को कहीं भी ना संरक्षण दिया जाएगा ना उसकी पुनरावृत्ति की जाएगी, और ऐसी जो भी घटना हुई है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कार्रवाई की गई है। सर, एक सवाल है सर आपकी पुलिस को लेकर कि गुरुवार की घटना है, शनिवार को वीडियो वायरल हुआ तब जाके पुलिस एक्टिव हुई। देखिए, दो बातें हैं कि जैसा ही